भिक्कू हमेशा चलते क्यों रहते हैं? भगवान बुद्ध ने यानी भंगी बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि भिक्कुओं यानी जो उनके शिष्य हैं जो सीख चुके हैं उनको हमेशा चलना है और वो किसी भी जगह पे दो दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगे और ना ही वो धन संपदा इकट्ठी करेंगे और ना ही वो कोई ज़्यादा सामान अपने पास रखेंगे। दो जोड़ी कपड़े एक पहनेंगे और एक रखेंगे, बाकी जितना खाना उन्हें आज खाना उतना खाने रखेंगे और कोई चीज़ वो अपने पास नहीं रखेंगे। ऐसा नियम भगवान ने उस आधार पर बनाया क्योंकि भिक्कू का जो जीवन था, टीचर का जो जीवन था, पढ़ाने का जो जीवन था, उनके मन का भटकाव उसमें ना हो। और अगर वो कहीं रुक गए तो हो सकता है कि उस जगह से, उस स्थान से, उस विहार से, उस मठ से, उस बिल्डिंग से, उस बाग से, उस रास्ते से, उस दरिया से, उस लोगों से, वहाँ के मौसम से उनको राग हो जाए या उनको द्वेष हो जाए और वो वहाँ कभी ना आना चाहें या वहीं रहें। तो इसलिए उन्होंने दो दिन का नियम बनाया कि दो दिन तक आप वहाँ जाके पढ़ाएं और दो दिन के बाद में फिर अगली बार पढ़ाएं। और उनको ये नियम दिया कि आपको महीने में 8 दिन या 9 महीने, 9 महीने या 8 महीने आपको पढ़ाते रहना है। सिर्फ 3 महीने या 4 महीने आपको जब वत्सावास होगा यानी जब बारिश का मौसम आएगा उस वत्सावास में आपको एक विहार के अंदर, एक आराम के अंदर, एक बगीचे के अंदर जहाँ सारे भिक्कू रहेंगे वहाँ रहना है और वहाँ भी आपको लगातार पढ़ते रहना है और लगातार सीखते रहना है। जो कमियाँ हैं उनको डिस्कस करना है, जो आपने सीखा व्यवहार में या जो आपने प्रैक्टिकल सीखे या जो आपको एक्सपीरियंस हुआ वो बांटना है, जो दिक्कतें आई हैं वो शेयर करनी है, जो अच्छा रहा वो बताना है और फिर अगले 3-4 महीने के बाद फिर निकल जाना है। इसलिए भिक्कू जो होता है वो पूरे जीवन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।